क्या कर दिया है सुहेल आपने, सब कुछ इसमें उसमें लुटा दिया आपने। जरा सा एक बार मेरे बारे में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में नहीं सोचा आपने। नहीं शर्म आई आपको उसे उसे शादी करते हुए? सुहेल कुछ भी नहीं बचा बाकी, आप सुन रहे हैं? भी झूठ से मुझे कोई गर्ज नहीं, मुझे तो सिर्फ ये जानना है कि क्या आप कुछ लुटा चुके हैं उस पर। गाड़ी तो उसे दे ही चुके थे, करोड़ों का घपला, बिना गिने कितने पैसे दिए उसे। क्या कर दिया है सुहेल आपने, सब कुछ उसे उस पर लुटा दिया आपने। जरा सा एक बार मेरे बारे में, बच्चों के बारे में, घर के बारे में नहीं सोचा आपने। नहीं शर्म आई आपको उसे शादी करते हुए? सुहेल कुछ भी नहीं बचा बाकी, आप सुन रहे हैं? कुछ नहीं किया तैमूर, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? मैं तो तुम्हारा कभी बुरा चाह ही नहीं सकती, है ना? मैं ऐसा कर ही नहीं सकती कभी। ये बात मेरी आंखों में देख कर बोली। और ये तो बहुत बार मेरे मुंह पर कह चुकी थी, और मैंने बहुत बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो अंधी अकीदत की पट्टी बंधी हुई थी, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। अरे चुप करो, अरे तुम तो खुद अपना घर नहीं बचा सकी, और अब आ गई हो तैमूर को भड़काने के लिए। तुम चाहती हो कि तैमूर और फलक का घर टूट जाए? और आपने क्या किया? क्या आपने इनका घर बसने दिया? इनके बच्चे तक की खुशी तो आपने छीन ली। मैंने ये सिर्फ अपने लिए नहीं किया, अपने बच्चों के लिए किया। किस्मत की बर्बाद करके उसके बच्चे की जान लेकर तुम कहती हो कि तुमने ये सब कुछ इस घर के लिए, मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए किया? हाँ हाँ हाँ, मैंने ये घर के लिए और अपने बच्चों के लिए किया है सब कुछ। एक दफा तो कहा था भाभी, सब कुछ आपके कदमों पे लाके रखता मैं। वो इस तरह तो ना करती। तुम नहीं करते, तुम तो ज़ारा पे जान देते थे। ज़ारा अगर इस घर में आ जाती तो मुझे और मेरे बच्चों को कोने में फेंक देती। और ये तुम्हारा भाई, दिमागी मरीज, कारोबार क्या संभाल? सब कुछ था ना सुहेल के नाम पर, लेकिन किसने संभाला? तुमने संभाला। मैं नहीं चाहती थी कि ज़ारा की शादी तुमसे हो जाए और वो तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर ले। आपको इतना भी भरोसा नहीं था मुझ पर?
आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने भाई और उसके बच्चों से नजरें फेर लेता? फेर लेते तुम आके, अगर तुम्हारी शादी जारा से होने देती मैं, अगर मैं इस लड़की का इस्तेमाल ना करती तो तुम फेर लेते आके। दिया धोखा अपने बच्चों की खातिर, और मैंने कुछ गलत नहीं किया। किस कदर बदनसीब है आप, सच्चे जज्बों को कुर्बान करके नफरत का रास्ता चुना आप। अफसोस हो रहा है आप, लेकिन मैंने तो आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा। आपकी खिदमत की, आपकी हर बात मानी, और आपने मेरा बच्चा ही। उठाओ अपना ये कीमती हीरे और निकलो मेरे घर से बाहर। आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। और रही बात कारोबार की, तो कारोबार में से सिर्फ तुम्हें वही हिस्सा मिलेगा जो तुम्हारे नाम पर है। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है मैं कितना परेशान हो रही थी, कब से आपका इंतजार कर रही थी। अगर आप थोड़ी देर ना आते ना तो मेरा दिल बंद हो जाता। फलक क्या हो गया? मैं बस एक जरूरी काम से गया था, क्या हो गया था? लेकिन आप मुझे बता के नहीं गए ना तेरे, आप ऐसे नहीं जाएंगे। मैं परेशान हो जाती हूँ, मैं सोच रही थी पता नहीं आप कहाँ चले गए, मुझे डर लग रहा था यहाँ पे। स्टाफ ने मुझे बताया कि तैमूर यहाँ पर आया था, और तुम कह रहे हो कि वो यहाँ नहीं आया। मैम वो सिर्फ अपनी दराज से अपना लैपटॉप बैग लेने आया था। तुम्हारे पास लीगल नोटिस है कि वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जा सकता, तो तुमने उसे यहाँ आने की इजाजत कैसे दे दी? इतने गैर जिम्मेदार इंसान को मैं अपने ऑफिस में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैम प्लीज, हेलो, क्या हुआ सुहेल को? मैं भी आती हूँ। मैम सब कह रहे थे ना सुहेल सब तो ठीक है। मैं अकाउंट्स में कहकर जा रही हूँ कि जो भी तुम्हारा हिसाब है वो क्लियर कर दे। दोबारा मुझे मेरे ऑफिस में दिखाई दिए तो थाने में बंद करवा दूंगी। मैम प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज एक दफा। आइंदा यहाँ रहोगे तो कुछ होगा ना, दोबारा दिखाई मत देना प्लीज। मैम मैम कैसी घमंडी हो रहा है, तभी तो सुहेल साहब बेचारे के हाजिर दिमाग रहते हैं। जिसकी ऐसी बीवी हो उसका हो भी कह सकता है।